ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वेद कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिसंबर का राशिफल बताने जा रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर से देखिए देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ ग्रह माना जाता है और संतान का और पुत्र का कारक माना जाता है। और आज की वीडियो में हम 9 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने वाले हैं, जिनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग प्रारंभ होने वाला है। 24 नवंबर से लेकर दिसंबर का महीना इनके लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। जो भी दंपति देखिए संतान सुख की इच्छा रखते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप गर्भवती हैं तो कौन सा उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो सके, यानी पुत्र की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, ये जो हम राशिफल बता रहे हैं, ये चंद्र की राशि पर आधारित है। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 24 नवंबर से लेकर दिसंबर का महीना इन 9 भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख का योग बना हुआ है। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही कौन से उपाय करने चाहिए गर्भधारण के बाद, जिससे कि आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले दोस्तों, हम 9 भाग्यशाली राशियों की जानकारी दे रहे हैं। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख का योग बना हुआ है, यानी संतान पक्ष मजबूत है। अगर आपकी संतान है तो संतान की तरफ से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही जो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और पंचम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति का स्थान उच्च है, स्वराशि के हैं या अन्य ग्रहों के साथ शुभ स्थान पर बैठे हैं, तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख के योग बनते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको गर्भधारण हो चुका है, अगर आपका दूसरा तीसरा महीना चल रहा है, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं और आप देखिए गर्भधारण हो चुका है, तो दूसरे तीसरे महीने में सबसे पहला उपाय है कि आपको शिवलिंग के बीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 2.25 महीने के बाद आपको शिवलिंग के बीज 7 दिन तक 1-1 चम्मच बछड़े वाली गाय के दूध से अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। और नारियल के बीज का प्रयोग आप कितनी बारी भी मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप मोरपंख की दवाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो ये सभी वीडियो हमने देखे अपने चैनल में डाल रखी है, तो आप उनको देख लें, उसके बाद इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो सके। साथ ही नित्य प्रति आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।